टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के प्रति खेल प्रेमियों की दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रहा है। आलम यह है कि अब क्रिकेट आयरलैंड ने अपने क्रिकेट प्रचार और टिकट बेचने के लिए धोनी का सहारा लिया है। दरअसल टीम इंडिया आयरलैंड के दौरे पर जाने वाली है, जहां दोनों देशों के बीच 27 और 29 जून को 2 मैचों की T20 सीरीज होगी। इसमें IPL में जलवा दिखाने के बाद धोनी वापसी करेंगे और विराट कोहली कमान संभालेंगे। लेकिन सीरीज को सफल बनाने के लिए आयरलैंड ने धोनी को एक सेलिब्रिटी की तरह पेश किया है, जिन्हें देखकर दर्शक काफी उत्साहित हो जाएंगे। दरअसल धोनी की लोकप्रियता की धूम इस साल IPL में कुछ ज्यादा ही दिखाई दी, जिसके बाद क्रिकेट आयरलैंड भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले दोनों मुकाबले के लिए इसी लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहता है। वहीं धोनी की बात करें तो IPL 2018 का खिताब जीतने के बाद वो क्रिकेट से दूर अपनों के बीच फुर्सत के कुछ हसीन पल बिता रहे हैं। उल्लेखनीय है कि साल 2011 में MS धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने ICC वर्ल्ड कप जीता था, जिसके फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ धोनी ने 79 गेंदों पर 91 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी और छक्का लगाकर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाया। लेकिन इसके बाद धोनी के प्रदर्शन में वो बात नहीं रही और उन्होंने कुछ समय बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसके साथ ही उन्होंने वनडे T20 की कप्तानी भी छोड़ दी। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान उनके टीम में रहने पर भी सवालिया निशान लगाए जाने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपने बल्ले से IPL 2018 में सारे आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे।